आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का uh, जितने भी क्वेश्चन है जी टीय रिगार्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर में से उन्होंने पूछे लास्ट फाइव ईयर्स में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं आपको मैं रिटर्न सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा कि आपको जो दो मार्क के क्वेश्चन है उसमें कितना लिखना है कितना कंटेंट उसके अंदर रखना है ओके okay? एंड जो तीन और चार मार्क के क्वेश्चन है उसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आ, उसी पी के अंदर जो आपको मैं गूगल क्लास में देने वाला हूँ ठीक है उसके अंदर आप लोग वो लिंक में से पूरा लेक्चर जो सात मार्क्स के क्वेश्चन है उसका लेक्चर आप लोग देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन क्वेश्चन के साथ ओके okay, तो यहाँ पे है आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड है ट्रिपल थ्री जीरो सिक्स जीरो वन थर्ड सेम की एग्जाम आपके अभी बाकी है ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा है चैप्टर वन इंट्रोडक्शन के पहले आप लोग जो देख रहे हो उसका वेटेज है टू मार्क्स का पहले जो क्वेश्चन है उसके बाद थ्री मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चन और लास्ट में जो है वो फोर मार्क्स के क्वेश्चन जनरली सात मार्क का क्वेश्चन होता है वो और फोर मार्क का क्वेश्चन होता है वो जनरली सिमिलर पैटर्न का रहता है ओके okay, तो मैंने उस सात मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन पूछते वो लोग फोर सी के अंदर तो वो मैंने ऐड नहीं किया और फर्स्ट चैप्टर में से वैसे भी वो पूछते नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझ लेते हैं कौन से कौन से इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनलिस्ट मटेरियल्स यूज फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है जितने भी मटेरियल्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं उसको आपको सिर्फ लिस्ट देना है उसका ठीक है वो जितने भी ऊपर के चार क्वेश्चन है उसका तो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन है जितने भी पैरामीटर्स तो होते हैं जो हमें आ, बिल्डिंग मटेरियल्स परचेस करने के टाइम या फिर सिलेक्ट करने के टाइम हमें ध्यान में रखने होते उनके लिस्ट बनाने हमें एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल ओके फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि मेन क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग होता है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ठीक है ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल वाला है वो चार मार्क्स के अंदर काफी बार पूछा है उन्होंने एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इन डिटेल ये क्वेश्चन है जो चार मार्क्स में पूछते हैं बाकी तीन मार्क्स के जो क्वेश्चन है जैसे कि एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग

ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अगर आपको डिटेल में समझना है और उसका ओवरव्यू लेना है तो यहाँ आप पे आपको मैंने लेक्चर की लिंक्स दिए इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पूरी दोनों मिल जाएगी फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स रिगार्डिंग डिटेल्स है वो सब आपको मिल जाएगी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो दो मार्क के क्वेश्चन है उसका समझने के लिए देखिए मैं आपको आ, लिस्ट तो दे दूंगा मैं उसको डिटेल साथ साथ में डिटेल में भी उनको एक्सप्लेन कर दूंगा तो बाकी के जितने भी आ, चार और तीन मार्क के क्वेश्चन है अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखे तो आपको डिफिकल्टीज ना हो वो सॉल्व करते टाइम क्लियर तो मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है पूरा लेक्चर्स तो मैं अभी नहीं कवर अप कर सकता तो जितने भी अंदर पॉइंट्स आएंगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ

14 जितने लिए हुए उसमें से आपको सिर्फ आठ याद रहेंगे तो भी इनफ है तो सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्ले हो गया ठीक है सबसे पहले तो क्ले हम लोग यूज करते हैं लाइम है देन सीमेंट एग्रीगेट्स स्टोन्स, वुड सैंड, स्टील प्लास्टिक ग्लास एल्यूमिनियम एस्बेस्टोस बिट्यूमिन एंड पेंट ये जितने भी uh, कंटेंट है उसको हम डिटेल में देखते हैं अभी तो यहां पे पहला है क्ले क्ले कहां पे यूज होगा तो जनरली हमारा जो फाउंडेशन रिगार्डिंग जितनी भी चीज होती है बिल्डिंग मटेरियल के बिल्डिंग uh, कंस्ट्रक्शन के टाइम में ठीक है तो क्ले सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज रहती है क्योंकि उसी के ऊपर हमारा फाउंडेशन कैरी फॉरवर्ड होने वाला है काफी बार हम लोग uh, जो भी नीचे की सरफेस स्मूथिंग करते हैं उसके अंदर क्ले भी मिक्स करते हैं कॉन्क्रीट के साथ वहां पे भी हम यूज करते हैं लाइम हो गया लाइम आपको पता ही होगा दूसरा जो हमारा पॉइंट है लाइम कहाँ पे यूज होता है आप प्लास्टरिंग वगैरह करते हो तो जो भी मटेरियल होता है वो लाइम मटेरियल होता है ऑब्वियसली सीमेंट सीमेंट हर एक जगह पे हम जो कंक्रीट बनाने वाले हैं उसके अंदर सीमेंट मेन कंपोनेंट है बाइंडिंग एजेंट के तौर पे देन एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स अगेन हमारे जो कंक्रीट बनाने वाले हैं उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है एग्रीगेट्स होगा स्टोन है स्टोन हमारे फिनिशिंग वर्क या फिर एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टोन पिचिंग भी काफी बार करते हैं और एज अ फिलिंग मटेरियल भी हम उसको यूज कर सकते हैं वुड कहाँ पे यूज होता है तो वुड हमारे जितने भी फर्नीचर रिगार्डिंग मटेरियल्स हो गए या फिर विंडोज हो गए डोर्स हो गए uh, उसके अंदर हम लोग वुड का यूज uh, करते।, तो करते हैं सेंड सेंड अगेन एक तो फिलिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं दूसरा होता है हमारा कंक्रीट बनाने के लिए हम जो कंक्रीट uh, बनाते हैं उसके अंदर सेंड का इस्तेमाल कर देते हैं अब बात करते हैं स्टील की तो स्टील आपको पता ही होगा कि बीम कॉलम या फिर जितने भी आरसी रिगार्डिंग स्ट्रक्चर होंगे रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट पार होते हैं वो मेटल के होते हैं या फिर जितनी भी जाली आप लगाओगे घर के अंदर वो भी सब स्टील मटेरियल की होगा प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के जो काफी बार फर्नीचर वगैरह प्लास्टिक का हमें मिलने लगा है ठीक है तो छोटी छोटी चीज होगी या फिर स्विच बोर्ड हो गया ये सब वगैरह प्लास्टिक का रहता है ग्लास है तो विंडोज और फर्नीचर के अंदर हम लोग ग्लास का यूज करते हैं ियम पैनल फर्नीचरियल फिनिशिंग के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं एंड लास्ट में जो है पेंट पेंट आपको पता ही होगा कि हम लोग जो एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए इनर और आउटर वॉल के ऊपर पेंट uh, करते हैं हमारी कॉन्क्रीट वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसको अच्छा इनहेंस लुक देने के लिए तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने अगर दो मार्क के अंदर पूछ रहे तो बाकी के जो मैंने डिटेल्स दिए वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है है ठीक अगर आप ये सिर्फ पॉइंट्स लिख देते हो आठ तो आपको टू मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएंगे इसके अंदर नाउ दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने ये काफी बार उन्होंने पूछा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग क्वेश्चन तो सबसे पहले तो आपको लाइन लिख देनी है प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ठीक है ये सब लिखने का रीजन ये होता है कि हमें एक कंटेंट मिल जाता है लिखने के लिए और हम बता रहे हैं कि नीचे के जैसे हमारे कंटेंट्स अवेलेबल है ठीक है कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो इससे इतना लाइन लिखना काफी बेटर रहता है एक जो सामने वाला बंदा होता है जो चेक कर रहा है उसको लगता है कि हाँ इस बंदे ने कुछ दम है ठीक है तो एक दो लाइन ऐसी आपको लिख देनी है उसके अंदर तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ देन डक्टिलिटी इलास्टिसिटी हार्डनेस प्लास्टिसिटी एब्रेशन ब्रिटलनेस क्रीप फटीक टेनासिटी टफनेस एंड साउंडनेस ये आपके जितने भी मैंने ट्वेल्व मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिए अगर दो मार्क में पूछ रहे हैं तो अगेन मैक्सिमम आप लोग आठ लिख के भी आओगे तो भी इनफ रहेगा ठीक है यहाँ पे मैंने आपको ट्वेल्व दी है वैसे तो आप छः भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करना कि आप उसके अंदर से लिख के आओ क्लियर इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वेल्व आपको दी हुई है तो एक एक को अगर आप समझना चाहो तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है हमारे यहाँ पे तो एबिलिटी टू रेजिस्ट जो भी लोड वगैरह आएगा ठीक है उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी हम उसको स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं ठीक है जिसके अंदर टेंसाइल लोड कॉम्प्रेसिव लोड सीयर लोड वगैरह सॉक वगैरह जितने भी आएंगे इफेक्ट्स और डिस्ट्रक्शन वो सब उसके अंदर कैलकुलेट होंगे क्लियर नाउ बात करें हम लोग इलास्टिसिटी की इलास्टिसिटी so, क्या है तो वेन द मटीरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इट विल गेट डिफॉर्म बट आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब कि जब तक हम लोड देते तब तक uh, जो हमारा मटेरियल होगा अगर इलास्टिक होगा तो वो लोड की डायरेक्शन में उसका जो शेप होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा लेकिन जैसे ही वो लोड रिलीज होगा वैसे ही वो अपना जो एक्चुअल शेप और साइज था वो गेन कर लेगा वापस तो ये इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी हो गई जो मेकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की तो व्हाट इज प्लास्टिसिटी व्हेन द मटेरियल डज नॉट गेट इट्स ओरिजिनल शेप एंड द साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड अप्लाइड इट्स कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल राइट तो प्लास्टिसिटी uh, इस, 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 उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे मतलब कि जैसे कि रेनफोर्समेंट बार हो गए उसको आप लोग डिफॉर्म करोगे सर्टेन लिमिट तक तो अपनी इलास्टिक लिमिट तक होगा तो वो वापस आ जाएगा अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हम उसके ऊपर इन्फोर्समेंट बार पे लोड प्रोवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा प्लास्टिक मटेरियल मतलब फिर वो सेप वापस अपने ओरिजिनल सेप में नहीं आएगा लोड लेने के बाद भी वो डिफॉर्म हो जाएगा बैंड हो जाएगा क्लियर देन ब्रिटलनेस सो व्हाट इज द ब्रिटलनेस एक्चुअली काफी बार लोगों को इसके अंदर डिफिकल्टीज होती है plasticity, brittleness और वगैरह हो जो properties होती है है उसके अंदर brittleness है कि डिफॉर्मेशन मतलब ब्रिटल मटेरियल ऐसा होता है कि उसको आप लोड दे रहे हो तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता वो तो डायरेक्ट टूट जाएगा राइट तो दैट इज योर ब्रिटल मटीरियल नाउ फैटिक की बात करते हैं सो वॉट इज द फैटिक जैसे कि बैंड uh, ले लो आप लोग एक बैंड ऐसा है उसको एक पर्टिकुलर uh, लिमिट तक स्ट्रेस देंगे तो वो एक्सटेंड कर पाएगा पर उससे ज्यादा हम स्ट्रेस देंगे तो टूट जाएगा मतलब मान के चलो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो, वो लोड उसके उसके आप, आप बार बार उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो तो उसी स्टेज पे भी टूट जा रहा है तो वो हो गई उसकी फटिक लिमिट राइट पांच किलो पास्कल की कि उसके अंदर बार बार हमने उसको बैंड को लूज एंड टाइट लूज एंड टाइट करते रहे अगेन एंड अगेन तो सिर्फ पांच किलो पास करके लोड देने पर भी वो टूट जाएगा सो दैट इज योर फटीग क्लियर नाउ टफनेस की बात करते हैं सो व्हाट इज एक्चुअल टफनेस इज टफनेस दैट मींस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंपैक्ट एंड एब्रेशन मतलब कि कोई भी मटेरियल है

कैरी uh, कर पा रहा है ठीक है मतलब कि डक्टाइल हो रहा है मतलब कि क्या होगा वो बैंड हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं ओके okay. मतलब कि आप रेनफोर्समेंट बार बार की ही बात कर लो उसी के अंदर आप तीन प्रॉपर्टीज समझा सकते हो इलास्टिक प्लास्टिक एंड डस्टिलिटी अपना जो रेनफोर्समेंट बार होता है वो डक्टाइल मटेरियल भी होता है ठीक है अगर आप उसके ऊपर लोड दे रहे हो तो टूट नहीं जाएगा ठीक है अगर आप उसके ऊपर वर्टिकल पॉइंट लोड दे रहे हो तो टूटेगा नहीं वो बैंड हो जाएगा पूरा ठीक है So, that is is ductility. Then hardness. So what is the hardness? So hardness is the property or ability of material to resist abrasion, wear and stretching. It is similar to the toughness, right? ये hardness में क्या होता है कि वो abrasion और wear stretches को uh, resist करता है, जबकि जो हमारा toughness होता है, वो impact and abrasion दोनों का resist कर पाता है. So ये एक basic दोनों के बीच का difference है. हार्डनेस के अंदर वो वो क्या resist करेगा wear and tear और stretch, uh, stretchings. Uh, जितने भी उसके अंदर वगैरह आएंगे इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच द मटेरियल रेजिस्ट वियर ड्यू टू विद अनदर सरफेस मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट राइट मतलब कि जो uh, मटेरियल क्या एब्रेशन हम किसको कहेंगे कि दो सेम मटेरियल है ठीक है वो दोनों सरफेस को हम लोग एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे हैं तो एक सर्टिन लिमिट तक वो रेजिस्ट कर पाएगा ठीक है तो वो जो पॉइंट होगा उसका एब्रेशन लिमिट हो जाएगा ओके देन अनदर पॉइंट इज क्रीप वॉट इज द क्रीप सो सम मटेरियल कंटिन्यू स्लो डिफॉर्म विद टाइम अंडर कॉन्स्टेंट लोड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्रीप मतलब कि कंक्रीट के अंदर आपने क्रिप सुना होगा कि कंक्रीट में क्रिप इफेक्ट आती है मतलब कि क्या होता है कि टाइम जाते जाते उसके अंदर स्लो डिफॉर्मेशन या फिर इफेक्ट देन बात करते हैं हम लोग टेनासिटी की टेनासिटी क्या है हमारे uh, जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग है वो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग ओके

इसमें से तो कोई भी आपको इजी लग रहे है ऐसे मैक्सिमम आठ याद रखने का ट्राई करना है और एग्जाम के अंदर उसको लिख देना है थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने द पैरामीटर्स टू बी कंसिडर बाई सिलेक्टिंग द बिल्डिंग मटेरियल्स ठीक है बिल्डिंग मटेरियल का हम लोग जब सिलेक्शन करते हैं तो उसके पहले कौन सा पैरामीटर हमें ध्यान में रखने चाहिए तो वो तो टेन ऑबियल्स है यहाँ पे मैंने आपको टेन पैरामीटर्स दी है अगेन छः से आठ ट्राई करना याद रखने का सबसे पहला होता है क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल की कितना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है ठीक है एज पर हाइएस्ट स्टैंडर्ड हमें कुछ ग्रेडिंग दिए होते हैं तो ग्रेडिंग हमें क्वालिटी के हिसाब से दिए होते हैं ठीक है कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम यूज़ कर पाए दूसरा मेन पॉइंट है अवेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि भाई आधा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे जो मटेरियल लिया है प्रेसियस मटेरियल वो बीच में से ही उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये भी हमें याद रखना है अवेलेबल होना चाहिए मटेरियल तो ये ध्यान में रख के हम कोई भी मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी मतलब टका ठीक है वो टका होना चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि फिर सो पीस के लिए हम लोग मटेरियल ले आए और फिर वो ड्यूरेबल ही ना हो ठीक है कोई लोड ही कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए और शॉर्ट टर्म के लिए वो हम लोग यूज कर पाए ऐसा नहीं होना चाहिए देन स्ट्रेंथ 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 ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मटेरियल की जो लोड कैपेसिटी कैरियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो हमें ध्यान में के लाना चाहिए एज पर आई एस हमें जो मटेरियल है उसकी जो कैपेसिटी uh, हमें दी हुई होती है उस हिसाब से हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए। चाहिएबिलिटी वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी मतलब क्या है लेस स्किल्स मतलब कि जो मटेरियल ला रहे है, वो वर्केबल होना चाहिए हमें जिस साइज और शेप के अंदर उसको लाना है वो उस शेप और साइज में इजीली आ जाना चाहिए फिर ऐसा ना हो कि वो हम उसको उस शेप में लाने में ज्यादा टाइम बर्बाद कर दें और हमारा जो कंस्ट्रक्शन स्पीड स्पीडी कंस्ट्रक्शन है हम उसको स्लो कर दें ठीक है देन अपियरेंस अपियरेंस इज एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी मटेरियल हम यूज करें वो अपियरेंस में अच्छा होना चाहिए कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते वरना क्या है काफी बार आप लोग बहुत ही टका हुआ स्ट्रेंथेबल अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो लेकिन उसका जो अपियरेंस है वही अच्छा नहीं है तो फिर नो वन कैन लीड्स टू परचेज इट राइट सो ये चीज ध्यान में रखनी है देन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फेनोमिना वाई बिकॉज काफी बार गया होता है हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल होती है हमें पता है कहाँ से लानी है पर उस जगह से हमें जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे लाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होनी चाहिए ठीक है अगर रोड ही नहीं है या फिर कोई व्हीकल ही नहीं है, वो मटेरियल लाने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल कर पाओगे ट्रांसपोर्टेशन so, एक मेन पॉइंट रहेगा क्लाइमेट क्लाइमेट कंडीशन मतलब कि जो इंडिया का क्लाइमेट है और जो दुबई का क्लाइमेट है या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट है वो सब हम ध्यान में लेके मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको देख, देख रहे कि इंडिया में हम लोग कॉन्क्रीट के हाउसेज uh, वगैरह बनाते हैं बट इन फॉरिनिफर टिम्बर रिलेटेड मटेरियल राइट ज्यादा मात्रा में वो लोग टिम्बर का यूज़ करते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वहाँ पे जो एटमोसफियर है क्लाइमेट कंडीशन है उस हिसाब से वहाँ पे कॉन्क्रीट जो है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता ओके okay, जो जबकि टिम्बर है वो रीयूजेबल रहेगा ठीक है सुनामी आ जाएगी अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये सब चीज़ जो कॉन्क्रीट है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा अगर कर भी पाएगा अगर उसके अंदर क्रैक्स वगैरह आती है तो उतना ड्यूरेबल नहीं है कि हम उसको री कर पाए राइट right? वर्केबल नहीं है जितना हम वापस उसको यूज कर ले तो वहाँ पे वो लोग टिम्बर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये क्या हो गया क्लाइमेट कंडीशन हो गई जो दुबई की बात कर रहा हूँ वहां है गर्डर्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्लाइमेट को ज्यादा ध्यान में रखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीलॉजी इज फास्ट एंड एडवांसिंग राइट नाउ राइट सो यूज ऑफ न्यू मटेरियल प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड क्लियर मतलब कि जो भी नए मटेरियल है उसका हम यूज करेंगे अगर जैसे कि अभी के जो सीमेंट है हम उसका यूज कर रहे हैं ठीक है एडवांस सीमेंट की बात करोपोजो लेना या फिर सब सीमेंट की तो वो कन्वेंशनल सीमेंट के हिसाब से ज्यादा इकोनॉमिकल भी रहते हैं और एडवांस भी रहते है. वो हैं वो लोग ज्यादा हीट एंड वगैरह हम जो फ्लाइज आगे एक चैप्टर चेप, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फ्लायज ब्रिक के बारे में ज़्यादा हीट कर सकती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, टूबल मटेरियल ज़्यादा, और उसकी कॉस्ट भी कम रहती है कन्वेंशनल मटेरियल से, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे पास द स्पीड ऑफ द वर्क हाउ कैन द स्पीड ऑफ द बाय पैरामीटर बिल्डिंग मटेरियल लाइक इज एंड ओके फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल वुड आर्टिफिशियल वुड ऐसा मटेरियल है कि उसके अंदर मिनिमम कट हमें करना पड़ेगा ठीक है उसको शेप में लाने में प्लस उसके अंदर नो जैक प्लानिंग होगा क्लियर वजन में भी हल्का रहता है तो ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क को स्पीड अप कर दे क्लियर तो यह है हमारे पॉइंट देन फोर्थ क्वेश्चन लास्ट मैंने आपको बताया था एनलीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स तो देर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है मैंने आपको आगे के जो पॉइंट्स है उसमें कवर अप कर लिए तो सबसे पहले तो डेंसिटी विच इज द मास ओवर वॉल्यूम दे स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज द वेट बाय वॉल्यूम देन बल्क डेंसिटी अगेन मास ओवर वॉल्यूम नाउ पोरोसिटी पोरोसिटी वट इज द पोरोसिटी इज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन अलो फ्लूड टू पास थ्रू आउट इट मतलब कि कोई भी मटेरियल होगा उसके अंदर अगर फ्लूड हम लोग इंजेक्ट करते पानी इंजेक्ट करते तो उसमें से पास होने दे रहा है दैट इज द पोरस मटेरियल वाटर इट इज अ फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वो मटेरियल की एब्जॉर्ब मतलब ब्रिक ले लो स्टोन ले लो सैन ले लो वो कितना पानी अपने स्ट्रक्चर के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है ठीक है सो दैट इज द वाटर एब्जॉर्न परम्यूबिलिटी परम्यूबिलिटी इज द फेनोमिना विच कैन परमिट्स ओके okay, यहाँ पे मैं थोड़ा रॉन्ग uh, बोल दिया यहाँ पे जो पोरोसिटी इट इज अ फिनोमिना एंड द परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सो जो परमेबिलिटी होती है उसके वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की उसका मतलब क्या इट इज इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलो वाटर टू पास थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट एरिया मतलब कि uh, जो मटेरियल हो कितनी मात्रा में पानी को पास होने दे रहा है क्लियर इट कैन बी डिनोटेड इन मीटर पर सेकेंड जो मीटर पर सेकेंड के अंदर इसकी वैल्यू डिनोट रहती है दिस इज द परमेबिलिटी देन हाइग्रोस्कोपिसिटी हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब क्या है कि जो हवा के अंदर जितनी भी मॉइस्चर है वो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया ठीक है वो क्या करता है कि कार्बन uh, और सिलिका मटेरियल है वो क्या करता है कि हवा एटमोस्फेयर की जो एयर है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने का वो लोग गुणधर्म धराते हैं ठीक है तो देट इज दाइड्रो हाइग्रोस्कोपिसिटी क्लियर देन फायर रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस यू ऑल नो सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लैरिफाइड देन थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा एक तो आपकी हीट है टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल रेजिस्टिविटी ये सब जो चीज हो गया वो थर्मल प्रॉपर्टीज में आता है फ्रॉस रेजिस्टेंस सो फ्रॉस रेजिस्टेंस क्या इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू रेजिस्ट ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड विदाउट कंसिडेबल रिडक्शन इन इट्स मिकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि वो एक ऐसा मटेरियल uh, होता है कि जिसके जिसको सेचूरेट करने पे उसके अंदर जो फोर्स एंड ही इफेक्ट है इफेक्ट है वो उसके अंदर uh, हो सकता है ठीक है वो अलो करता है होने के लिए बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटने नहीं देता है दैट इज द फ्रॉस रेजिस्टेंस ड्यूरेबिलिटी एंड साउंडनेस बोथ आर नोन बाय यू सो दे आर बोथ लास्ट पॉइंट ड्यूरेबिलिटी एंड साउंडनेस जो इतने इसमें सब कोई भी और छठ लिख दोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स टू मार्क्स ओके इस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन लिखने सिर्फ पॉइंट्स लिखने मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किए हुए तो अगर ये तीन और चार मग में भी पूछ ले तो आप उसको ईजिली uh, एक्सप्लेन कर पाओगे ओके okay, तो यहाँ पे ही हम कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर आई होप आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग uh, हो गया होगा अभी सो डू इट एज आई सो यू इन योर एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस